हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ऑप्टिवर्स पे। आज हम ग्लोसरी के अंतर्गत प्राइमरी सेक्टर को देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर होता क्या है इकोनॉमिक्स में। व्हेन द इकोनॉमिक एक्टिविटी डिपेंड्स मेनली ऑन अ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, देन दैट एक्टिविटी कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की जो एक्टिविटी होती है वो क्या करती है, एक्सप्लॉयट करती है नेचुरल रिसोर्स को, तो वो एक्टिविटी किसके अंतर्गत आ जाती है, प्राइमरी सेक्टर में आ जाती है इकोनॉमिक्स के। प्राइमरी सेक्टर में मेनली आपका जो होता है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर रिलेटेड और सारी एक्टिविटी आपकी प्राइमरी सेक्टर में आती है, जैसे फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया है, तो ये सब क्या है आपके प्राइमरी सेक्टर की क्या है एक्टिविटीज़ है। आप एग्रीकल्चर में भी देख रहे हैं किसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लैंड का एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्योंकि फर्टिलिटी ऑफ लैंड क्या होती है, डिमिनिश हो जाती है, कम होते जाती है जैसे जैसे आप उस पर कल्टिवेशन करते जाते हैं। तो जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो क्या होता है, उसमें नेचुरल रिसोर्स का बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लॉयटेशन होता है। आप फिशिंग करते हैं, ठीक है, फिशरीज आप मतलब कर रहे हैं, तो उसमें भी जो आपका फिश यूज़ होता है उसका भी क्या होता है, एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। माइनिंग जब हो रहा है तो आपका लैंड का, लैंड का खनन होता है, तो वो भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है, बिकॉज लैंड जो आपका है क्या है, एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स है, और जिसको हम एक्सप्लॉयट करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो जो आपका प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी मोस्टली जो बेस्ड होती है वो क्या होती है, नेचुरल रिसोर्सेज पे बेस्ड होती है, और जिसमें कि नेचुरल रिसोर्स का क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। और आप ये याद रखिएगा कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ में आती है इकोनॉमिक्स में। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे फिशिंग एंड माइनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।